हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज के हम लोग बात करने वाले हैं करिकुलम फॉर सेशन 2023-24 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट कोड 417। ठीक है, क्लास 10th की हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप लोगों के पास, ठीक है, अगर आप लोगों के पास AI नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों के किसी भी फ्रेंड के पास अगर AI है तो आप लोग उनको सेंड कर दो। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास AI है, उनको सिलेबस का नहीं आइडिया है कि क्या उनका सिलेबस रहने वाला है। तो हम लोग 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए AI के सिलेबस को देखने वाले हैं। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, जो आप लोगों का AI है, ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसका सब्जेक्ट कोड है 417। इससे पहले हम लोगों ने जो है IT के सिलेबस को डिस्कस किया था, अभी हम लोग जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिलेबस को डिस्कस करेंगे 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको नहीं पता है सिलेबस क्या है AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, बोर्ड एग्जाम में किस तरह से होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, जो आप लोगों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, चार पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए, ठीक है, फिर आप लोगों का जो दूसरा पार्ट है पार्ट बी, इसके अलावा जो आप लोगों का तीसरा पार्ट है पार्ट सी, और चौथा पार्ट है पार्ट डी। ठीक है, चार पार्ट में आप लोगों का AI का सिलेबस डिवाइडेड है। जो आप लोगों का पहला पार्ट है यानी कि पार्ट ए है, ठीक है, ये आप लोगों का होता है 10 मार्क्स का। ठीक है, ये आप लोगों का 10 मार्क्स का है पार्ट ए, ठीक है, जिसको हम लोग एम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी कहते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग 10 मार्क्स वाले को एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी कहते हैं। इसके अलावा जो आप लोगों का सेकेंड पार्ट है, ठीक है, इसमें आप लोगों का आता है सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। ये आप लोगों का कितने मार्क्स का है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे 40 मार्क्स का आपका होने वाला है, तो काफी ज्यादा स्कोरिंग है। पार्ट बी पे आपको स्पेशल ध्यान देना है, ठीक है, जो जो भी आप लोग पढ़ रहे हो उसमें आपको पार्ट बी पे स्पेशली ध्यान रखना है। जो आप लोगों का पार्ट सी है, ठीक है, इसके अंदर आता है आपका प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क आपका पार्ट सी के अंदर आता है। ये आप लोगों का 35 मार्क्स का है, जो कि आप लोगों का ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी इसकी आप लोगों को टेंशन नहीं लेनी है। और पार्ट डी जो है आप लोगों का, ठीक है, ये भी आप लोगों का हो चुका है, तो इसकी भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। पार्ट डी आप लोगों का 15 मार्क्स का है। इसी तरह से आप लोगों का जो टोटल हो जाता है वो आप लोगों का 100 मार्क्स का, ठीक है, पूरा का पूरा हो जाता है, जिसमें कि अब आप लोग जो है थ्योरेटिकल एग्जाम देने जाओगे वो आप लोगों का कितने मार्क्स का आएगा, जो आप लोग बोर्ड का एग्जाम देने जाओगे 2024 बोर्ड एग्जाम का, ये आप लोगों का आएगा 50 मार्क्स का। और 50 मार्क्स का आपका ऑलरेडी हो चुका है प्रैक्टिकल वर्क वगैरह जो भी आप लोगों के स्कूल में हुआ होगा, ठीक है, वो आप लोगों का हो चुका है। तो अभी आप लोगों को ध्यान रखना 50 मार्क्स पे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लेक्चर्स अपलोड करने वाले हैं। अगर आप लोग कमेंट करोगे कि आप लोगों को पहले कौन से चैप्टर का चाहिए, तो आप लोग, ठीक है, वीडियो पे कमेंट करना, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि, ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगा आप लोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वीडियोस। तो आप लोग जल्दी से कमेंट कर देना और अपने फ्रेंड लोगों के साथ वीडियो को शेयर करना। अगर व्यूज अच्छे आएंगे तो मैं जल्दी से जो है आप लोगों के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा, क्वेश्चन आंसर आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 417। ठीक है, कोड आप लोग देख लेना, इसके वीडियो लेक्चर मैं आपके लिए इस चैनल के ऊपर अपलोड कर दूंगा। आप लोग चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, फटाफट से हम लोग जो है डिटेल सिलेबस देखते हैं। सबसे पहले आप लोग देख रहे होंगे कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, ये आप लोगों का जो है 2 मार्क्स का आएगा। फिर आप लोगों का सेल्फ मैनेजमेंट स्किल, ये भी आप लोगों का 2 मार्क्स का आएगा। ICT स्किल, ठीक है, ये भी आप लोगों का 2 मार्क्स का रहेगा। एंटरप्रेन्योरल स्किल, ये भी आप लोगों का 2 मार्क्स का रहेगा। और ग्रीन स्किल, ये आप लोगों का 2 मार्क्स का रहेगा। मतलब हर एक यूनिट जो है आप लोगों की 2 मार्क्स की है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों का जो पहला पार्ट है, पार्ट है, ये 10 मार्क्स का आपका आने वाला है बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, तो ज्यादा आप लोगों का नहीं आ रहा है। ठीक है, स्कोरिंग पार्ट जो है आप लोगों का पार्ट भी है। हाँ, ये जरूर है कि जो आप लोगों का पार्ट है वो बहुत ईजी है, अगर आप लोग एक बार पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बुक कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे आप लोग जो है सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो CBSE की वेबसाइट पे, कैसे आप लोग जो है क्वेश्चन बैंक को डाउनलोड कर सकते हो, सैंपल पेपर को डाउनलोड कर सकते हो AI का। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करना इस वीडियो में, मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ जाऊंगा हाउ टू डाउनलोड। ठीक है, जो भी चीज मैंने आपको बताई, क्वेश्चन बैंक, प्रीवियस ईयर पेपर, सैंपल पेपर, ठीक है, बुक्स जो है CBSE ने प्रोवाइड की आपको AI की, कैसे डाउनलोड करना, सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। आप लोगों को कमेंट करना इस वीडियो में, फिर मैं आप लोगों के लिए एक डिटेल वीडियो लाऊंगा जिसमें कि आप लोगों को बताऊंगा कैसे आप लोग इन सब चीजों को डाउनलोड कर सकते हो। तो आप लोग आगे देख रहे होंगे, आगे हम लोग जो है डिटेल में बात करते हैं पार्ट बी की। ठीक है, जो आप लोगों का सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल है पार्ट टू, पार्ट बी, इसके हम लोग जो है डिटेल में बात करते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे जो आप लोगों की यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, ये आप लोगों की 7 मार्क्स की आने वाली है। यूनिट 2 AI प्रोजेक्ट साइकिल, ये आप लोगों का 9 मार्क्स का आएगा। यूनिट 3, ठीक है, एडवांस पाइथन, ये आप लोगों का, ठीक है, प्रैक्टिकल्स में केवल आपको पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों को इसको बोर्ड के एग्जाम में इससे आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। अगली यूनिट आपकी यूनिट 4 डेटा साइंस, ठीक है, इसके अंदर आप लोगों का जो है 4 मार्क्स का बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कुछ टॉपिक्स भी आपको दिए, इंट्रोडक्शन, एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस, डेटा साइंस, ठीक है, रिमेनिंग पोर्शन टू बी एक्सेस्ड, ठीक है, जो भी आप लोगों का बचाव पार्ट है वो आपको प्रैक्टिकल में करना है। डेटा साइंस का वैसे आप लोग ये समझो 50% आप लोगों को जो है
थ्योरी के थ्रू करना है और 50 आपको प्रैक्टिकल के थ्रू करना है। यूनिट 5 जो है आप लोगों की कंप्यूटर विजन, ठीक है, इसके अंदर आपको इंट्रोडक्शन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर विजन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है, अप टू RGB इमेजेस, ठीक है। रिमेनिंग पोर्शन जो है आप लोगों को प्रैक्टिकल के थ्रू करना है। तो ऐसा आप लोगों को जो है ज्यादातर AI में क्या है, कुछ चैप्टर्स में आपका प्रैक्टिकल है, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ठीक है, तीन यूनिट जो है आप लोगों की यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5, इसमें आपको प्प्रैक्टिकल भी करने हैं, ठीक है। और यूनिट 6 है, मतलब यूनिट 3 तो आपकी पूरी प्रैक्टिकल बेस्ड है, और यूनिट 4 और यूनिट 5 में आपको प्रैक्टिकल को भी करना है। यूनिट 6 आप लोग देख रहे होंगे नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये आप लोगों का 8 मार्क्स का है, ठीक है। यूनिट 5 मैंने आपको बताया नहीं शायद, 4 मार्क्स का आप लोगों का यूनिट 5 आने वाला है, और यूनिट 6 आप लोगों की 8 मार्क्स का आपके बोर्ड के एग्जाम में आने वाला है। और जो आपकी यूनिट 7 है ये भी आप लोगों का, ठीक है, 8 मार्क्स का आने वाला है, ठीक है। यूनिट 7 भी आप लोगों की 8 मार्क्स की आने वाली है। अभी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं, ठीक है, कौन कौन से आपके टॉपिक दे रखे हैं, किस तरह से आपको टॉपिक दे रखे हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे पार्ट ए जो मैंने आपको बताया था, ठीक है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल, ये आप लोगों का 10 मार्क्स का है, ठीक है। ये आप लोगों को जो है आर्स दे रखे हैं, ये आप लोगों का मार्क्स नहीं है, ठीक है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना। पार्ट बी को डिटेल में देख लेते हैं थोड़ा, ठीक है। आप लोगों के पार्ट बी में जो है, ठीक है, आपके पास टोटल जो है 7 यूनिट्स यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, 7 यूनिट्स आपके पास है। थोड़ा सा डिटेल सिलेबस हम लोग देखते हैं, स्टूडेंट को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है AI के सिलेबस में, किस तरह का आप लोगों का AI का सिलेबस रहने वाला है। प्री बोर्ड देने के बाद भी अभी भी स्टूडेंट को, ठीक है, कंफ्यूजन है कि AI का एक्चुअल सिलेबस क्या है। तो एक एक टॉपिक का मैं आपको सिलेबस बताने वाला हूँ इस वीडियो में, तो वीडियो आप लोगों को कंप्लीट देखना है। तो आप लोग देख रहे होंगे, अपने फ्रेंड लोगों के साथ वीडियो को जरूर से शेयर करना, अच्छे व्यूज आएंगे AI के वीडियोस पे। तो मैं आप लोगों के लिए फिर AI के जो है क्वेश्चन आंसर, ठीक है, आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल कैसे डाउनलोड करना है वो सब वीडियोस लेके आऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर हो गए, आपके नोट्स हो गए, प्रॉपर आप लोगों के वन शॉट वीडियोस हो गए, सब कुछ अपलोड कर दूंगा इस चैनल के ऊपर। आगे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, जो आप लोगों का पहला चैप्टर है, ठीक है, जो आप लोगों का पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, क्लियरिटी आने के लिए, ताकि आप लोगों को क्लियरली यहाँ पे दिख पाए, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। ये आप लोगों का जो है चैप्टर 1 यानी कि यूनिट 1 है आप लोगों का। इसके अंदर आप लोगों को जो सेशन है, ठीक है, इसको आप लोग चैप्टर कह सकते हो, ठीक है। जो आप लोगों का ये यूनिट है, ये यूनिट हो गया, यहाँ पे आप लोगों को सेशन दिया इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर आपको व्हाट इज इंटेलिजेंस पढ़ना है, फिर सेशन आप लोगों को, ठीक है, सेशन 2 आप लोगों का जो है डिसीजन मेकिंग, हाउ डू यू मेक डिसीजन, मेक योर चॉइस। फिर सेशन 3 के अंदर आप लोगों को व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हाट इज नॉट, ठीक है। फिर सेशन जो है आप लोगों को, ये आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू AI एंड रिलेटेड टर्मिनोलॉजी, ठीक है। ये आप लोगों की AI, ML, DL ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है, AI के डोमेन्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है, CV, NLP ये सब चीजें आप लोगों को डिटेल में देखनी है। आगे हम लोग देखते हैं, वैसे ज्यादा डिटेल में भी नहीं पढ़ना आपको। फिर ये आप लोगों का जो है सेशन, यहाँ पे आप लोगों को एप्लीकेशन ऑफ AI, लुक एट रियल लाइफ AI इम्प्लीमेंटेशन, ये आप लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है। इस तरह से ये वाला पोर्शन आप लोग छोड़ सकते हो जो नीचे आपको दे रखा है। आगे आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, जल्दी से आप लोग अपने जो ये वीडियो है इसको शेयर कर दो अपने AI वाले फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, जिनके पास भी AI है। आप लोगों का जो अगली यूनिट है यूनिट 2 AI प्रोजेक्ट साइकिल, इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है, सेशन वाली चीजें पढ़नी है, इंट्रोडक्शन टू AI प्रोजेक्ट साइकिल, फिर आप लोगों के अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम स्कोपिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सिंप्लीफाइंग डेटा एक्विजिशन और विजुलाइजिंग डेटा, ये सब आपको पढ़ना है। जो जो आप लोगों का सेशन है ना, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है, सेशन। फिर आप लोगों का इंट्रोडक्शन टू मॉडलिंग, ठीक है, इसके अंदर आपको रूल बेस्ड एंड लर्निंग बेस्ड AI अप्रोच को पढ़ना है, ठीक है। ये आप लोग देख लो, ये आप लोग फिर ये वाला पोर्शन जो है आप लोग छोड़ सकते हो इसको, ठीक है, ऑप्शनल है आप लोगों का। आगे आप लोग देख रहे होंगे न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, ये आप लोग एक बार देख लेना न्यूरल नेटवर्क। फिर इसके अंदर आपका जो अगला सेशन है, ठीक है, इवेल्युएटिंग द आइडिया, ये आप लोगों को पढ़ लेना है। छोटे छोटे टॉपिक है, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है। अगली जो है आप लोगों की यूनिट 3 जो है आप लोगों की एडवांस पाइथन, ये आप लोगों को प्रैक्टिकल के थ्रू पढ़ना है, ठीक है, टू बी एक्सेस थ्रू प्रैक्टिकल्स। ये आप लोगों का जो है जुपिटर नोटबुक, ये आप लोगों का हो गया इंट्रोडक्शन टू पाइथन, पाइथन बेसिक्स, ये आप लोगों को जो है आप लोगों को प्रैक्टिकल के थ्रू इन चीजों को करना है। आगे आप लोग देख रहे होंगे जो आप लोगों की यूनिट 4 है, जो आप लोगों की यूनिट 4 है, इसके अंदर आपके कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं, ये जो आगे जो आप लोगों की यूनिट्स हैं, ये आप लोगों को प्रैक्टिकल के थ्रू करनी है, ठीक है, थ्योरी भी करना है प्रैक्टिकल भी करना है। तो आप लोगों के पास इसके अंदर टॉपिक कौन कौन से आते हैं, डेटा साइंस के अंदर, ठीक है, जो आप लोगों की यूनिट 4 है डेटा साइंस, इसके अंदर आपका आता है इंट्रोडक्शन टू डेटा साइंस, एप्लीकेशन ऑफ डेटा साइंस, रिविजिटिंग AI प्रोजेक्ट साइकिल, डेटा कलेक्शन, डेटा एक्सेस, ये सब आप लोगों को पढ़ लेना है। फिर आप लोगों का जो एक्टिविटी वाला पोर्शन है, ये आप लोग फिलहाल छोड़ सकते हो। अगला जो है आप लोगों का, अगली जो आप लोगों की यूनिट है, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे यूनिट 4 डेटा साइंस, ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को टू बी एसेस थ्रू प्रैक्टिकल, इसको भी आप लोगों को क्या है प्रैक्टिकल के थ्रू करना है। इसके अंदर आपका क्या क्या आता है, ठीक है, पाइथन फॉर डेटा साइंस, नम्पी हो गया, पांडास हो गया,
मैट प्लॉट लिब हो गया, ठीक है। ये सब चीजें आप लोगों को कैसे करनी है, प्रैक्टिकल के थ्रू करनी है। जो आप लोगों का सेशन अगला सेशन है, ठीक है, स्टैटिस्टिकल लर्निंग एंड डेटा विजुलाइजेशन, ये आप सबको प्रैक्टिकल के थ्रू करनी है। ये एक्टिविटी जो है आप लोगों की ऑप्शनल है, ये भी आप लोगों का ऑप्शनल है, के नियरेस्ट नेबर, ठीक है, मॉडल है आप लोगों का एक तरह का, तो ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कौन सी चीजें आपको थ्योरी के थ्रू करनी है, कौन सी आप लोगों को प्रैक्टिकल के थ्रू करनी है। यहाँ पे हम लोग जो है अभी टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, कौन कौन से आपके टॉपिक है। यूनिट 5 आप लोगों की कंप्यूटर विजन है, टू बी एसेस थ्रू थ्योरी, ठीक है, ये आप लोगों का थ्योरिटिकल कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे इसके अंदर आपका आता है सेशन 1 के अंदर इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर विजन, फिर आप लोगों का आता है एप्लीकेशन ऑफ सीवी, अगला आप लोग देख रहे होंगे सेशन अंडरस्टैंडिंग सीवी कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर विजन टास्क, बेसिक ऑफ इमेज पिक्सल रेजोल्यूशन, पिक्सल वैल्यू, ग्रे स्केल एंड आरजीबी इमेज, यहाँ तक आप लोगों को जो है इसको पढ़ना है, ये वाला पोर्शन। फिर आप लोग जो है एक्टिविटी बेस्ड वाला ये छोड़ सकते हो। अगला जो है आप लोगों का कंप्यूटर विजन, ठीक है, कंप्यूटर विजन जो है आप लोगों का, इसको आप लोगों को अगला जो आप लोगों की यूनिट है इसको आपको पढ़ना है, टू बी एसेस थ्रू प्रैक्टिकल, इसमें भी आपको प्रैक्टिकल पे ध्यान देना है, ठीक है। यूनिट 5 है आप लोगों की इंट्रोडक्शन टू ओपन सीवी और ये इमेज प्रोसेसिंग, ये एक तरह से प्रैक्टिकल बेस्ड ही है आप लोगों का, ठीक है, ये ऑप्शनल है, ये आप छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो, ठीक है, ये सब आप लोगों के ऑप्शनल पार्ट है, ठीक है। अगला जो है आप लोगों की यूनिट 6, इसका नाम है आप लोगों का नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अगली जो यूनिट है आप लोगों की वो है यूनिट 6 नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसके अंदर टॉपिक को हम लोग देख लेते हैं फटाफट से। जो आप लोगों का सेशन है इंट्रोडक्शन टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये सेशन वाली जो चीजें हैं ये आपको पढ़नी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग ये आपको पढ़ना है, चैप्टर है आप लोगों का। इसी तरह से आप लोगों का फिर एनएलपी एप्लीकेशन पढ़नी है, रिविजिटिंग एआई प्रोजेक्ट साइकिल, फिर ये आप लोगों को थोड़ा सा दोबारा से देखना है, ठीक है। इसके अलावा जो आप लोग देख रहे होंगे ह्यूमन लैंग्वेज वर्सेस कंप्यूटर लैंग्वेज, ये आप लोगों को करना है। इंट्रोडक्शन टू चैटबॉट, ठीक है, ये आप लोगों को देख लेनी है। इसके अलावा जो है आप लोगों का टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन और बैग ऑफ वर्ड्स, ठीक है, ये दोनों टॉपिक आप लोगों के जो है इसी चैप्टर के अंदर है, इसी यूनिट के अंदर है। डेटा प्रोसेसिंग यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर का नाम है। अगला जो है आप लोगों का, ये आप लोगों को जो है डेटा प्रोसेसिंग के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेना है। यूनिट 7 की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये आप लोग देख रहे होंगे यूनिट 7 आप लोगों की इवैल्यूएशन, ठीक है। इसके अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक को करना है, ठीक है, इंट्रोडक्शन टू मॉडल इवैल्यूएशन, व्हाट इज इवैल्यूएशन, डिफरेंट टाइप ऑफ इवैल्यूएशन टेक्निक, अंडर फिट, परफेक्ट फिट, ओवर फिट, ठीक है, ये तीन टॉपिक आपको यहाँ पे पढ़ लेने हैं, ठीक है, जो आप लोगों के डिफरेंट डिफरेंट इवैल्यूएशन टेक्निक्स होती है। अगला है आप लोगों का जो आप लोगों का सेशन है, मतलब एक तरह से चैप्टर है, मॉडल इवैल्यूएशन टेक्निक्स, सॉरी मॉडल इवैल्यूएशन टर्मिनोलॉजीज को आपको देखना है, ठीक है। इसके अंदर 10 सिनेरियो प्रेडिक्शन, रियलिटी, ट्रू पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, फॉल्स नेगेटिव, ठीक है, एक तरह से आप लोगों का जो है ये आप लोगों का कन्फ्यूजन मैट्रिक्स फिर आपको कर लेना है, टू मेक अ कन्फ्यूजन मैट्रिक, ये आप लोगों को जो आपकी एक्टिविटी है ये आप लोगों को देख लेनी है, ठीक है। एक्टिविटी वाला पोर्शन जो है आप लोग थोड़ा बहुत छोड़ भी सकते हो, थ्योरेटिकल वाला पार्ट आपको अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलता है। अगला जो सेशन है आपका, यानी कि चैप्टर है इवैल्यूएशन मेथड्स, ठीक है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, विच मैट्रिक्स इज इंपॉर्टेंट, प्रिसीजन और रिकॉल, F1 स्कोर, इतना आप लोगों को कर लेना है, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों का जो है फिर प्रैक्टिकल वर्क है, ये आप लोगों के हो चुके होंगे आप लोगों के स्कूल में, ये सारे आप लोगों के जो है यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, ये प्रैक्टिकल्स आप लोगों के स्कूल में हो चुके होंगे। आगे आप लोग देख रहे होंगे पार्ट डी, प्रोजेक्ट वर्क, फील्ड विजिट, स्टूडेंट पोर्टफोलियो, ये आप लोगों का पार्ट डी है, ठीक है। अभी हम लोग जो है थ्योरेटिकल पेपर के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। चलिए फिर वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आओ तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने एआई वाले फ्रेंडों के साथ जो है इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है, अगर अच्छे व्यूज आएंगे मैं आपको अगला वीडियो जो है लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग जो है फ्री में स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हो कैसे, ठीक है। सीबीएसई की वेबसाइट पे सब चीजें पढ़ी है एआई से रिलेटेड, कैसे आप लोग सिलेबस, कैसे आप लोग सैंपल पेपर, कैसे आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर, कैसे आप लोग बुक्स को डाउनलोड कर सकते हो, सारी चीजें आप लोगों की जो है, ठीक है, क्वेश्चन बैंक सब कुछ जो है सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर मैं आप लोगों के लिए एआई के लेक्चर्स भी लेके आ जाऊंगा इसी चैनल के ऊपर, ठीक है। तो कमेंट करना आप लोगों को पहले कौन से चैप्टर के वीडियो लेक्चर चाहिए, और आप लोगों को जो है जो आप लोगों को अगर आगे लेक्चर चाहिए एआई के, तो आप लोग जरूर से कमेंट करना। वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने फ्रेंड लोगों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।